मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं देवांजनी मोइत्रा। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने वाले पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। अकेले दम पर 303 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी जब दोबारा सत्ता में लौटी तो देश एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जब देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और कहा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पीएम मोदी के उनके कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों, राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। पीएम मोदी समेत करीब सभी मंत्रियों ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। यहां तक कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ईश्वर के नाम शपथ ली। मुख्तार अब्बास नकवी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुख्तार अब्बास नकवी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक तरफ पीएम मोदी, अमित शाह और मुख्तार अब्बास नकवी समेत तमाम नेताओं ने जहां ईश्वर के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ ली, तो वहीं मोदी सरकार पार्ट टू में ही चार मंत्री ऐसे रहे जिन्होंने ईश्वर के नाम शपथ लेने से परहेज किया। ये मंत्री हैं रामविलास पासवान, रामदास अठावले, राव इंद्रजीत सिंह और सुरेश चंद्र सांगड़ी।
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रह चुके रामविलास पासवान को मोदी सरकार पार्ट टू में भी जगह दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान जब कैबिनेट मंत्री के लिए शपथ लेने पहुंचे तो उन्होंने ईश्वर के नाम शपथ नहीं ली बल्कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा लेते हुए अपनी शपथ पूरी की। मैं रामविलास पासवान सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सहयोगी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हिस्सा बने। राज्य मंत्री के तौर पर मोदी सरकार में शामिल हुए अठावले ने भी ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली। उन्होंने भी रामविलास पासवान की तरह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा लेते हुए मंत्री पद की शपथ ली। मैं रामदास अठावले सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठावले सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साल 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। राव इंद्रजीत को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली। ईश्वर के नाम शपथ नहीं लेने वालों में राव इंद्रजीत भी शामिल हैं। अंग्रेजी में शपथ लेने वाले राव इंद्रजीत ने गॉड की जगह आई सोलमली अफर्म यानी मैं पूरी तरह से पुष्टि करता हूं के साथ शपथ ली। आई इंद्रजीत सिंह डू सोलमली अफर्म दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjeet Singh, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. ईश्वर के नाम शपथ नहीं लेने वालों में चौथा नाम है सुरेश चंद्र सांगड़ी का।
कर्नाटक के बेलगाम से लोकसभा सांसद सांगड़ी ने भी ईश्वर के नाम शपथ नहीं ली। राव इंद्रजीत की तरह अंग्रेजी में शपथ लेने वाले राज्य मंत्री सुरेश चंद्र सांगड़ी ने भी आई सोलमली अफर्म के साथ शपथ ली। आई सुरेश चन्नबसप्पा अंगड़ी डू सोलमली अफर्म दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister of State for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I Suresh Chanbasappa Angadi do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate, reveal to any person or any persons any matter without which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for Union except as may be required for due discharge of my duties as such Minister of State. PM मोदी और उनके मंत्रिमंडल के 57 सदस्यों ने 30 मई यानी गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के परिसर में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान देश विदेश की कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद कैबिनेट के 24 मंत्रियों, 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। इस दौरान अधिकतर मंत्रियों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली, लेकिन ये 4 मंत्री ऐसे रहे जिन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ नहीं ली।